किससे कांटेक्ट में है, कहां से आप दलाली लेती हैं, कहां से आप क्या काम करती है, कहां से आपकी उग्रानी होती है, हमको ये सब बताने में इंटरेस्ट ही नहीं है। हमारे बड़े नेता ये सब में इंटरेस्ट में जाते नहीं है, क्योंकि वो आप लोगों को तो गिनते ही नहीं है। वो वहां पर जाती है, लोगों का बिल गरम बनाने के नाम पे वहां पर झोल करती है भाई, इलीगल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के नाम पे पहुंचती है, वहां पर लेटर लेके दिख जाती है और वहां पर बिल्डरों से पैसा वसूल करती है। उनके पास क्या सबूत है? ये लोग सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का काम करते, इतना कोई काम नहीं इनके पास में भाई। कुछ नहीं तो कम से कम 10,000 रुपए तो दो, तुम्हारे मन हिंदत है दो तो देखे बताओ। अपनी मेहनत की कमाई का पैसा देना, वसूली वाला पैसा मत देना। बबलू भाई, जिस तरह से मुस्लिम लीग पार्टी की प्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने एजेंट का जिक्र किया, आपकी पार्टी का नाम लिया, आप भी एनसीपी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एनसीपी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और मेरी पार्टी के आला अधिकारियों के बारे में जिस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी का जो भी है पॉलिटिकल पार्टी की, वो उसने जिस तरीके से बदतमीजी से मेरे आमदार और मेरे पार्टी के अध्यक्ष के बारे में बात करी है, उनको अपशब्द बोला कि भाई वो उनको दलाल नाम से उनको पुकार रही है, तो इसके मैं घोर निंदा करता हूँ। फरज शेख एक पॉलिटिकल पार्टी की अध्यक्ष, मेरे ख्याल से वाइस प्रेसिडेंट है शायद, और वो काफ़ी बड़ी पोस्ट में है वो पार्टी की, तो उसको ये शोभा नहीं देता कि वो इस तरीके से ओछी बात करें। आपको किसी के बारे में बात करनी है तो एक रेस्पेक्ट से बात करनी पड़ेगी, और अगर कोई हमारे पार्टी के लीडर के बारे में अगर उस पर बात करेगा तो फिर हमारा हक बनता है उसको जवाब देना। जिस तरह से इस जो बच्चे के करंट लगने से मौत हुई थी, उस पूरे मामले को लेकर राजनीति हुई, उसी के शब्द में उन्होंने ऐसा कहा, 6 लाख रुपया जो दिया गया है एनसीपी की तरफ से, ये सब मामलों को लेकर उन्होंने सवाल उठाया 6 लाख रुपए को। देखिए, एनसीपी पार्टी जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते शहर के मुद्दों पर ध्यान देना, उस पर नजर बनाए रखना हमारा काम है। उस बच्चे के साथ जो हादसा हुआ, उस हादसे को लेकर हमारी पार्टी ने जो स्टेप लिया, हमारे आमदार साहब ने जो स्टेप लिया, उन्होंने 6 लाख का मुआवजा दिया हमारी पार्टी की तरफ से, हमारी तरफ से जो हुआ हमने वो किया। आपने क्या किया? आपसे उस मुद्दे पर सवाल पूछा जा रहा है कि आप अपनी पार्टी की तरफ से क्या मुआवजा देंगे, तो आपने किनारा कर लिया। आप बोलते हैं हम FIR करेंगे, आप कहते हैं हम मुआवजा दिलाएंगे। अरे ठीक है, वो मुआवजा तो गवर्नमेंट का पता है कब मिलता है, जो उस वक्त उनको जो जरूरत की चीज थी वो हमारे आमदार साहब ने मुहैया कराया। एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, शहर की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते, हमसे जो हमारे आमदार साहब ने किया वो उससे ज्यादा बहुत बेहतर काम किया उन्होंने। अभी तुम्हारी तरफ से क्या हो सकता है, तुम वो बताइए ना। फराज का ऐसा कहना है कि सिर्फ एक ही को जो बच्चे का डेथ हुआ वहां पर दिए वो ठीक है, लेकिन ऐसे और भी कई लोगों की बात किया, ऐसे कई लोगों की और मौत हुई, वहां क्यों नहीं? देखिए, इन लोगों ने जिस तरीके से इस मुद्दे को पॉलिटिकल मुद्दा बनाया, किसने बनाया? फरज शेख ने बनाया, इस मुद्दे को पॉलिटिकल बनाया भाई। उसकी मदद करने के लिए सारी पार्टियां आ गई, उसी तरह से एनसीपी उस पार्टी के लिए आगे आई है। तुम कहते हो कि भाई हमने टोरेंट को बुलाया, उसकी जगह वो एनसीपी आई, तो हर जगह पे जहां पर भी शहर में कुछ मुद्दा होता है एनसीपी तो हमेशा अवेलेबल है। एनसीपी ब्लड कैंप लगाती है, एनसीपी दूसरे दूसरे कैंप लगाती है हर मुद्दे पे, टोरेंट के मुद्दे पे एनसीपी आगे देती है। कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं जिस मुद्दे पे एनसीपी नहीं होती है, तो एनसीपी तो शहर के हर मुद्दे पे आती है, तो उस मुद्दे पे भी एनसीपी आई भाई। एनसीपी तो हर मुद्दे पे आगे रहेगी ना। जिस तरह से फरहत ने जो एजेंट वगैरह कहा, तो इसमें आपके एनसीपी पार्टी से बुमराह का कोई भी पदाधिकारी अभी तक सामने नहीं आया, कुछ भी मीडिया में जवाब दे दिए, आप ही सामने आए? देखिए, सामने आने की बात नहीं है, मुझे ऐसा लगा कि इस मुद्दे पे बोलना चाहिए। हमारे लीडर को हम फॉलो करते हैं और हमारे लीडर के बारे में कोई अगर अपशब्द कहेगा तो उसका जवाब देना हमारा फर्ज है। एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि हमारे पार्टी के पोस्ट लीडर को कोई अगर अपशब्द बोलेगा तो उसका जवाब हम ही देंगे। जिस तरह से फरज शेख ने हमारी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाया दलाली का, तो क्या लोग नहीं जानते? आमदार साहब ने शिल्पाटा की रैली के अंदर बता दिया था आप क्या करते हैं, हमको सब पता है। सबको सब पता है कि आप कहाँ पे किससे कांटेक्ट में है, कहाँ से आप दलाली लेती हैं, कहाँ से आप क्या काम करती है, कहाँ से आपकी उग्रानी होती है, हमको ये सब बताने में इंटरेस्ट ही नहीं है। हमारे बड़े नेता ये सब में इंटरेस्ट में जाते नहीं है, क्योंकि वो आप लोगों को तो गिनते ही नहीं है भाई, उनके लेवल के आप लोग है ही नहीं। आपका जवाब देना उनके पास में है ही नहीं, इसके लिए हमको जवाब देना पड़ रहा है आपको कि आप क्या क्या करती हैं। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करते, क्या मतलब? करने का क्या मतलब है भाई, जो सीधा सीधा वो मालूम है टोरेंट का जो इतना वो लोग करते हैं कि उनको वहां पर उन लोग झोल करते हैं भाई। वहाँ टोरेंट ऑफिस में जाती है वो फरज शेख, ये जो इल्जाम लगाने का काम कर रही है हमारे ऊपर, इल्जाम लगाने का काम कर रही है टोरेंट ऑफिस में, और जाती है, जाने के बाद में टोरेंट ऑफिस में दुनिया का जो बिल का जो काम है पटा दे कि मेरे पास में, मेरे पास में हो, किस लिए बुला रही है वो वहां पर जाती है, लोगों का बिल गरम बनाने के नाम पे वहां पर झोल करती है बिल के नाम पे।
टोरेंट ऑफिस से जो लोगों का बिल लेके जाती है भाई, इलीगल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के नाम पे पहुंचती है, वहां पर लेटर लेके दिख जाती है और वहां पर बिल्डरों से पैसा वसूल करती है, यही काम है उनका। बार बार मीडिया में आना, हर चीज पे मीडिया में जाना, बार बार मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना, दिखाना, उनपे दबाव बनाना और पैसे वसूली करना, यही काम है उनका। हमारे पे क्या दलाली का इल्जाम लगाएंगी वो? हमारी पार्टी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है, हमारी पार्टी कोई इसके ऊपर वो नहीं करती है। आप जो ये बात कह रहे हैं कि वो ढोल करती है, पैसे लेती है, तो इसके पास आपके पास कुछ पुरावा वगैरह है या ऐसे हवा में? उनके पास क्या सबूत है जो हमारे पे दलाली का इल्जाम लगा रही है? उनके पास क्या सबूत है? कोई हमारे ऊपर जो पार्टी पे जो इल्जाम लगाया जाता है सारी बातें तो हवाएं में, कौन आदमी कौन सा पुरावा लेके बैठ के बात करता है? ये लोग सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का काम करें, उतना कोई काम नहीं इनके पास में। ये पहुंच जाता है लाइव, मीडिया को बुला लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया, मीडिया में बाइट दे दिया, हो गया इनका काम। उसके बाद का क्या? एक काम मुझे पक्का बताइए जो इन लोगों ने आज तक किया। अब इनके पास में कुछ है ही नहीं बताने के लिए, तो करेंगे क्या ये लोग? कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास बताने के लिए दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए करते हैं ये लोग जो काम करते हैं। अब इसे फरज शेख ने एक बात बोली, आप ये मुट्ठी से दो वो मुट्ठी को पता नहीं चलना चाहिए, तो इलेक्शन में क्या लेके जाने वाली आप? वोट किस मुद्दे पे मांगेंगी आप? ये एनसीपी जो है सियासी पार्टी है, हमारा काम है काम को बताना। हम जो काम कर रहे, सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, वो लोगों को दिखा रहे हैं। और शमी माने साहब साहब मना कर दिया कि भाई हम तो तैयार ही नहीं थे मुआवजे के बारे में बताने के लिए, लेकिन आपने हमसे रिक्वेस्ट की इसलिए हम बाइट दे रहे हैं, वरना तो उन्होंने इरादा ही नहीं था उनका किसी का, मतलब 6 लाख रुपए देने का, मतलब मीडिया में आई करके। भाई हम उनसे जो बन पड़ा उन्होंने 6 लाख रुपए दिया, तुम्हारे अंदर क्या हिम्मत है? तुम बताओ, तुम्हारा मुआवजा देने की हिम्मत बताओ ना, कुछ तो दो भाई, कुछ नहीं तो कम से कम 10,000 रुपए तो दो, तुम्हारे मारा हिंदा दो तो देके बताओ। कुछ नहीं दे सकते ये लोग, 1 रुपया नहीं खर्चा कर सकते। भाई औरत ने एनसीपी पे इतना बड़ा आरोप लगाया, दलाल कहा, अभी तक कोई वरिष्ठ आपकी तरफ से क्यों नहीं सामने आया? भाई हमारे वरिष्ठों जो है ना, ये लोगों को गिनते ही नहीं है। और वो एक वो बेचारी लड़की है, इसके लिए लोग सोचते कि भाई छोड़ो जान दो, भी वो छोटी बच्ची है तो उसके बारे में क्या बात करेंगे। लेकिन बार 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 आके हमारे सीनियर्स के ऊपर उंगली उठाना, उनके ऊपर कुछ भी बोलना, तो हम थोड़ी बर्दाश्त करेंगे भाई? वो लोग ठीक है, वो लोग नजरअंदाज करते हैं, लेकिन हम नजरअंदाज नहीं करेंगे ना भाई। हमारे लीडर है वो, उनके बारे में कोई कुछ भी बोल देगा थोड़ी सुन के ले लेंगे। जो आएगा उठ के अपने मुंह में आके बोल लेगा, अपनी पब्लिसिटी के लिए इनको टारगेट कर लेगा। और खास तौर पर फरज शेख को बोलना चाहता हूं मैं ये चीज, मेरी बात कान खोल के ध्यान से सुन लो जरा, कि अपनी तरफ से जाके उनको कुछ मुआवजा तो देके बताओ, बन मुट्ठी जाके देखे दिखाओ, और वसूली वाले पैसे से नहीं, अपनी मेहनत की कमाई का पैसा देना, वसूली वाला पैसा मत देना, जितना दे सकते उतना दे की कोशिश करो। क्या दे सकते, देखे तो हम क्या देने वाले हो तुम?